समाज सेवा के कार्यों में बढ़ कर भाग लेने वाली मुरादाबाद की श्री गिरिजय पते सेवा संस्थान काम कर रही है। साथ ही सभी को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए आगे बढ़कर मदद करें। इसी उद्देश्य को लेकर समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के सिविल लाइन स्थित पीलीकोठी चौराहे पर भोजन वितरण कैंप लगाया गया, जहां पर सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित करने के साथ ये विश्वास दिलाया गया कि संस्था हमेशा ऐसे ही काम करती रहेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष नवनीत सागर, सचिव नितिन गुप्ता, उप सचिव अरवल गुप्ता, दीपक मेहता, राहुल रस्तोगी, पूजा रस्तोगी, विशाल भटनागर, पुनीत शेखर विश्नोई, सुमित सक्सेना, सचिन अग्रवाल, शालिनी गुप्ता, पायल रस्तोगी, दामिनी, अभिषेक शर्मा, अनुराग शर्मा, आरती विक्टोरिया सहित संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्था की अध्यक्षा सुचेता गुप्ता ने बताया कि समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़ कर हमारी संस्था भाग लेती है, साथ ही समय समय पर जरूरतमंद व्यक्तियों को फायदा भी पहुंचाया जाता है। आज इसी उपलक्ष्य में भोजन वितरण कैंप आयोजित किया गया है। भविष्य में ऐसे प्रयास हमारी संस्था द्वारा और भी किए जाएंगे। ये मेरी गिरिजय पते सेवा संस्था है। ये मेरे अपनी तरफ से हम लोग जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जितना कर सकते हैं। आज हमने खाना वितरण का शुरू किया है। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, हम चाहते हैं उन तक खाना पहुँचे, और अपनी जितनी भी कोशिशें रहेंगी उस तरीके से हम कोशिश करेंगे। और आगे जैसे किसी की शादी में परेशानी होती है उसकी भी कोशिश करेंगे, गर्म कपड़े बांटना और भी जितनी कोशिशें हो सकती हैं पूरी करेंगे। कितने लोग हैं आपके सहयोग में, कौन कौन लोग सहयोग करते हैं? हमारे सहयोग में श्री नितिन गुप्ता जी, अविरल गुप्ता जी, नवनीत गुप्ता जी, श्री श्रीमती आरती जी। क्या लक्ष्य है बाकी की संस्था का? लक्ष्य आगे की संस्था में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें और उनके लिए जो कुछ अपने तरफ से कर सकें, जितना हमारा सामर्थ्य है अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रयास लेके चले हैं आप लोग? यही कि अपनी तरफ से जितना भी हो पाए, अपनी तरफ से गरीबों के लिए जितना हम कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, कभी खाना देना है, कभी कपड़े देना, कभी जो भी उनकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से जितना कर पाएंगे करेंगे।